मुजफ्फरपुर में कई मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ द्वारा 12 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। हड़ताल पर जाने के कारण प्रधान डाकघर सहित विभिन्न शाखा व उप डाकघरों में कार्य पूरी तरह ठप हो गया। कोषाध्यक्ष जयप्रकाश झा ने बताया कि केंद्रीय आह्वान पर डाक विभाग द्वारा कमलेश चंद्रा कमेटी की सकारात्मक रिपोर्ट को लागू नहीं करने के विरोध में धरना जारी है। बीबीएम किरण सिंह ने बताया कि लगभग 7-8 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन मात्र 5 घंटे का ही वेतन मिलता है। 8 घंटे का काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ जोड़कर 180 दिनों की छुट्टी को आगे बढ़ाना और नकदी भुगतान करना, ग्रामीण डाक सेवक की एसडीबीएस में सेवा निर्वहन लाभ 3% से बढ़कर 10% करने और ग्रामीण डाक सेवक को पेंशन प्रदान करने, सेवक को सभी प्रकार की प्रोत्साहन योजना को समाप्त कर जैसे IPPB RPLI बचत योजना, मनरेगा भुगतान को बंद कर कार्यभार की गणना की जाए, व्यवसायिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को उनके स्वयं के मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट मीडिया का पालन करने के लिए बिना उनकी इच्छा एवं जानकारी के विरुद्ध स्वयं के मोबाइल उपकरणों का उत्पीड़न पर रोक, समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू कर 5 घंटे का TRC, सभी भेदभाव को समाप्त कर नियमित कर्मचारियों के समान वार्षिक वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने की मांग की है। मौके पर कोषाध्यक्ष जयप्रकाश झा, अध्यक्ष दिग्विजय नारायण सिंह, सचिव मोहम्मद जाकिर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो पहला मांग है कि सेम काम है तो सेम हम लोग का वेतन मिलना चाहिए और 8 घंटा का ड्यूटी, लेकिन मिलता है हमको 5 घंटा का ड्यूटी मिलता है। हम लोग 12 घंटा काम करते हैं, लेकिन हमको न 12 घंटा का पैसा मिलता है और न ही कुछ सुविधा मिलता है, इसलिए हम लोग 8 घंटा ही ड्यूटी चाहिए। आज अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के तेजस्वी की ओर से अनिश्चितकाल हड़ताल का तीसरा दिन है। यह केंद्रीय आह्वान पर हड़ताल है और हम लोगों का कमलेश चंद्रा कमेटी का रिपोर्ट जब तक सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा लागू नहीं किया जाता है तब तक हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर जाने के कारण देश भर का डाकघर पूरे हड़ताल पर चला गया है। जो आज का रिपोर्ट है कि 92% ग्रामीण डाक सेवक संघ हड़ताल पर है और मुजफ्फरपुर के तो 100% ही ग्रामीण डाक सेवक संघ हड़ताल पर है, जिसके कारण पूरे मुजफ्फरपुर की डाक की व्यवस्था चरमरा गई है। किसी तरह का पत्राचार का डिलीवरी ग्रामीण स्तर पर न डाक का आदान प्रदान हो रहा है, न रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, IGP का काम, सभी चीज़ काम बाधित, लेकिन सरकार आज तक की हमारी बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हर बार सरकार को द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि अब आप हड़ताल वापस ले लीजिए, हम आपका जो भी मांग है उसको मान लिया जाएगा, जबकि यह जो हड़ताल है सरकार के द्वारा ही कमेटी का गठन किया गया था, कमलेश चंद्रा कमेटी का, और उसके रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ को लागू किया गया, पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया गया। जब तक यह रिपोर्ट लागू नहीं होता है हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे ही। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियेटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।